कांग्रेस को झटका लगा है गुलाम नबी आजाद ने, इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद आज ही बनाए गए थे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, और चेयरमैन बनाने के सिर्फ साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा भी दे दिया। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस को झटका लगा है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद के कैंपेन सदर बनाए जाने से कांग्रेस की जो छवि है, जो कांग्रेस का वकार है, वो मजबूत होगा। लेकिन आपको बताते चले, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन आज ही थोड़ी देर पहले ही बनाया गया था, और अब आप देखिए कि गुलाम नबी आजाद ने उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यानी सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद ने इस पोस्ट को, इस ओहदे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, गुलाम नबी आजाद ने दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद आज ही बनाए गए थे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। क्या वजह हो सकती है आखिर इस इस्तीफे की, ये कहना अभी कबलज वक्त होगा। लेकिन आपको बताते चले, एक तरफ कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को आज ही कैंपेन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया था, तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यानी बड़ा झटका जम्मू कश्मीर कांग्रेस को माना जा सकता है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की एक अलग छवि है जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू कश्मीर की सियासत से काफी जुड़े रहे हैं। इसी जमन में कांग्रेस ने आज उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है। सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद ने इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने से इनकार किया, और ओहदा मिलने के साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। तो आज ही गुलाम नबी आजाद बनाए गए थे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, और चेयरमैन बनने के साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर कांग्रेस को झटका लगा है, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद को आज ही कैंपेन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया था, एक तरफ उन्हें चेयरमैन बनाया गया, तो दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया।